हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत ट्रैवल विद रचना चैनल में। कोशिश कि आपके चेहरे पे कुछ मुस्कान लाई जाए। और आज हम उत्तराखंड की सीरीज कर रहे हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग लासा वाला गए, जिम कॉर्बेट की हमने अंदर सैर करी, उसका वीडियो अभी आएगा। तो जब हम वहां से निकले ढेला गांव की तरफ, आप रास्ते की खूबसूरती देखिए। ढेला गांव पहुंचने के लिए ना जिम कॉर्बेट के काफी जोन हैं, और इनमें से मेन जोन है डिकाला, जीवना और ढेला से ही ढेला गांव है। और इस ढेला गांव में है बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट, और इनमें से अत्यंत लुभावना मॉडर्न और ट्रेडिशन का संगम। जंगल के बीच अड्यूरेबल इम्प्रेसिव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इज हृदय भूमि, ऐसा होम स्टे जो अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो जिम कॉर्बेट में शायद ही फिर कहीं और जाएं। ये स्विमिंग पूल देखें, ये पूरे हृदय भूमि को देखें आप और सराहें। यहाँ के महिलाओं ने उत्तराखंड की एक झलक हमारे सामने पेश की। इन लोगों ने सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी। आशा है आप इनका ये कल्चरल इवेंट सराहेंगे, जो खूबसूरत महिलाओं का एफर्ट्स है। सबसे पहले टीका लगाकर, बड़ों के पैर छूकर, आशीर्वाद लेकर हमारे देश का अद्भुत कल्चर इन्होंने पेश किया, और इसका लोहा तो सारी दुनिया मानती है। तो काइंडली गिव देम अ बिग थम्स अप एंड सी देयर कल्चरल प्रोग्राम। आप प्लीज इनको देखें, सराहें किस तरीके से ये ट्रेडिशनल मौकों पे मंगल गीत गाते हैं, किस तरीके से वे नृत्य करके सेलिब्रेट करते हैं और खुशियां मनाते हैं। देखिए आप इनकी मेहनत। आशा है आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा। अब आपको एक विलेज टूर कराते हैं। देखिए आप ये जंगल की सैर करिए मेरे साथ, और यहाँ के लोगों से मिलिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ये जिन्ना जोन का गेट है, और यहाँ का रास्ता देखिए आप कितना खूबसूरत। और यहाँ पे कई रिसर्चर्स भी आते हैं, और हमने जब इन लोगों से बात करी तो खुशियां देखी इनके चेहरे पे। Big and beautiful place. Beautiful? Yes. Jungle mein mandir. Mr. Deepak, ये क्या चीज है? ये पुदीने का जूस है मैम, रियल पुदीना है, यहाँ का लोकल का। रियल पुदीने का जूस है जी। आपके यहाँ का बहुत धन्यवाद। ये हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है। आपने खुद? जी। अब हम इसकी रेसिपी तो आपसे लेंगे। बहुत बढ़िया। लो बेटा, वो मैडम से मुलाकात नहीं हुई ये तो। अच्छा, आप रहते भी यहीं पे? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कुमायूं के? हाँ जी, हम कुमायूं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या जिन्ना जोन है सामने? हाँ जी, झरना जोन भी है, फाटे जोन भी है, जी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमें तो मजा ही आ गया आते ही। हालांकि हम जंगलों में से आ रहे हैं, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत है, मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे जो शॉप लगता है रूम में, हम उसमें प्लास्टिक यूज करते हैं, पत्ते पर रखते हैं। अच्छा। और बाकी जो हमारा वो है, ये बिस्लरी पानी की बेचते, प्लास्टिक ये बिस्लरी में प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करते, कंच की बोतल लगाई होती रूम में, कांच के। जी। किचन है? किचन है। बड़ी महंगी लग रही है। कहाँ पास में रहती हैं? हाँ जी, हम पास में रहते हैं। बहुत बढ़िया। अरे आपकी ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, बहुत सुंदर। हाँ, यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पहाड़ का इलाका है। अरे बहुत अच्छा है।
हाँ नमस्ते। ये हमारे शेफ साहब हैं। शेफ साहब हैं, आपकी तारीफ अभी। क्या नाम आपका? चंदन बिष्ट। हाँ चंदन बिष्ट। चंदन बिष्ट जी। मैं हमको बिष्ट बहुत मिले हैं यहाँ पे, पहले भी हम नैनीताल वगैरह में रहे हैं जी। बहुत बिष्ट मिले ओके। बहुत अच्छा, ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी। कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल देख लेते हैं। ये हमारे सब्जियां मैम। ये सब्जी है? हाँ वेजिटेबल सब्जी है। क्या सब्जी है? इसमें भिंडी हो गई, मक्के हो गए, भिंडिया लगी आप क्या वो भी है क्या? लाई का साग सीजन नहीं है उसका। ओह वो जाड़ों के टाइम पे होती है। ये क्या तोड़ रहे? ये भिंडी। भिंडी हाँ नजदीक देखा, ये लगा रखे सर भिंडी मक्के बोल रखे हैं। नेचुरल भिंडिया। क्या बात है, यही की सब्जियाँ बिल्कुल घर में हो रही मैम, नेचुरल सब्जियाँ बहुत बढ़िया। बाकी मक्के भी हो जाएंगे मैं कुछ मक्के। हाँ भाई देख, ये कितना गहरा होगा पुल? इधर को 4.5 फीट लगभग। 4.5 फीट जी। उधर कम है? उधर कम है। बहुत सुंदर है। गर्म होती है सर, फिर ठीक हो जाएगा। सर्दियों में अच्छा रहेगा। हमने अपने छत पे टेरेस गार्डन बनाया हुआ था, आपको हटा दिया। Swimming experience. My swimming experience, it was very fun. That this pool, this smaller pool is just for practice, and in the big pool you can swim, float, do anything you want. So you enjoyed, have fun? Yes, very much. Uh-huh. We have gone into a pool after so many years because of the lockdown. Uh-huh. Okay, very nice. Our local pool just closed. Okay. Change it and come first. Huh? How was the experience? It was very good. Very good? Yes. Anything else you want to say? How's the swimming pool? Yeah, I like it because we haven't gone to swimming for like the past 2 years. So I loved it. You loved it? Yes. Were you scared also? No, I was not scared because I have practiced. Okay, very nice. Yes. Yeah. What are your feelings right now? I'm feeling very good. I'm feeling very fresh. All that nature, if you see around, there are mountains, there are many trees, it's just beautiful. Would you like to go for a jungle safari? Yeah. Anytime? Anything. Scared of lions, tigers? Anything. Huh? Dino? You can see a lot of pythons there, no? Oh, that's the thing. Let's move on. Yes. Chalo, let's go for a walk. Evening walk, and is there women in this jungle area? The Dhina zone and the Dhina zone of Jim Corbett, and this is a homestay. This is the first time I have been to any homestay, and I think it is far better than any of the 5-star hotels. Believe you me, if you come to this zone, you will really appreciate it, and you will be thankful that you know I have given this particular place to you. It's really very good. हम लोग जा रहे हैं
इवनिंग वॉक इस देला गांव में। ये देखिए आप जब भूमि कितना खूबसूरत है ये छोटे से गांव में। सारे तीन यहाँ पे गेट है जिम कॉर्बेट के और बहुत ही खूबसूरत। और हम इस गांव की थोड़ी सी वॉक करते हुए आपको ले चलते हैं गांव की वॉक में। बच्चे को क्या हुआ, चोट लगी है? हाँ, आप लोग मैम इसी गाँव में यही रहते हैं? कहाँ पे घर है आपका? सामने सामने वाला घर है। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे आप बताओ कैसा लगता है? हमें तो अच्छा ही लगता है। हमें तो आप पूछो मत, हमारे पास तो शब्द नहीं है, इतना खूबसूरत है ये। नहीं नहीं, सब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? ये भी पढ़ते? छोटा बच्चा टू ईयर्स, क्या नाम आपका बोलोगे कुछ? नाम क्या बेटा? आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, कौन सी क्लास में आप? थर्ड में। स्कूल खुल गया आपके? वाह क्या बात है। ये आप लोगों का घर है? बहुत सुंदर। वाह बच्चे खेल रहे हैं, छुट्टियां गर्मियों की छुट्टियां आप लोगों की। हाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? बड़ी वाह क्या बात है आपकी। ये आपके पोता पोती है? पोता पोती है। अरे वेरी गुड, इसको ले जाओ। क्या बन रहा है मैम आज? कटहल शाम के टाइम पे भागने का, रोकने का इलाज। ये गाय है? हाँ दोनों गाय है। बहुत बड़े बगीचे भाई, तो इसको पकेगी भी तो आम ये अभी पकेंगे नहीं? पकेंगे क्यों नहीं, ये कच्चे अभी सप्लाई कर रहे हो, फिर पक्के भी करेंगे? तीन दिन में पक जाएगा ये, घंटे के लिए चार पाँच दिन। अच्छा पक जाएगा ना? अच्छा ओके, मगर तोड़ेंगे हम तो समझेगा नहीं। अच्छा हाँ हाँ, ना पैसे मिले उसको। सही आप बात बहुत सही बोल रहे हो। आइए आइए आइए, गाँव को इतना बहुत खूबसूरत गाँव है, मैंने अपने गाँव बहुत देखे हैं, इतना सुंदर नहीं देखा कभी। बहुत अच्छा गाँव है। बैठने का तो वक्त नहीं है, थोड़ा हम घूमने के लिए निकले हुए हैं। नहीं घूमने बैठने का, अच्छा आम का पेड़ आपके पास भी है? हर घर में आम का पेड़ है यहाँ पे। ऐसे ही है हमारे, यहाँ खेती बाड़ी है। हाँ खेत में क्या क्या लगा हुआ? ये अभी कुछ नहीं, हम अभी धान की फसल कर रही है। धान की फसल करी है और उसके बाद धान के बाद गेहूं की फसल। गेहूं की फसल जब नवंबर दिसंबर में गेहूं की फसल हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे आ जाते हैं जंगली जानवर कुछ? आ रहे हैं सारे पूरे। आपने किस किस को देखा यहाँ पे? मैं चीतल को देखा है, हिरन को देखा है। हिरन को देखा, हाथी भी आ रहा है। हाथी भी आ रहा है? कहाँ तक आता है हाथी? हाथी भी आ जाता है रात को फसल के टाइम पर, नीचे को आ जाता है। अच्छा और शेर वगैरह? टाइगर भी आया नीचे, यहाँ तक पानी पीने के लिए आ जाता है। अच्छा पर नुकसान नहीं करता। नुकसान नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता। जंगली जानवर है तो ठीक है। जंगल में ड्यूटी कर रखी है इन्होंने? जंगल में पहले कॉर्बेट के अंदर, मैंने आर्मी के एक्समैनों में। आप आर्मी के एक्समैन हैं? आनंदी जोशी। हाँ जी, ये आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस है? हाँ ये हमारी कुमाऊनी ड्रेस है। कुमाऊनी ड्रेस है? हाँ जी। बहुत खूबसूरत है और इसे पहन के तो आप लोग और भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे क्या आज मंदिर में भंडारा भी है कोई? हाँ मंदिर में भंडारा है। आज क्या दिन है, ऐसा क्यों भंडारा है आज? हम लोग यहाँ करते ही है ऐसे हमारे गांव में। हाँ ना कभी भी नहीं, साल में एक बार। आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है इसलिए कर रहे हैं। कल व्रत की पूर्णिमा थी, आज पूर्णिमा है। ओके और मंगलवार की है। अच्छा देवी के मंदिर में मंगलवार आज भंडारा है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, पूरी लक्ष्मी लग रही है, अच्छी लग रही है। बहुत खूबसूरत, जैसे खूबसूरत ये गाँव है वैसे यहाँ के लोग हैं। मैडम जी, हमारे वहाँ शादी हो या कोई काम होता है हाँ। उसमें हम पहले पंडित की तरह शगुन गाना गाते हैं। शगुन गाना? लेकिन हम दोनों गाते हैं, काम जाते हैं। प्लीज गाएं शगुन गाना, मुझे भी बहुत पसंद है, हमारे कल्चर में भी बहुत बढ़िया है शगुन का गाना। ऐसा बैठेंगे, ठीक है करेंगे, इधर गर्म हो।
ये शगुन का गाना होगा। बहुत बढ़िया, मामा को अच्छा लगा। गाना गाएंगे हम? हाँ बिल्कुल। हम तो सौभाग्यशाली है कि ये सब देख रहे हैं आज। पानी फैला हो गया तो क्या हो गया? गांडी आज व्हाट्सअप कॉल नवे व्हाट्सअप कॉल लगा। शब्दों में अगर इसका मतलब क्या हुआ? ये शगुन होता है। शगुन तो अच्छा, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी गणेश जी को आप बुलावा दे रहे हैं कि आइए चाची हम बच्चों को बुलावा। हमारे कुल देवी और हमारे कालजेश्वर देवता कालू सर हैं, हमारी ललिता मैया जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सबको निमंत्रण देते हैं। अच्छा ये उनका निमंत्रण पानी जितना पानी होगा होता है जी उतना हम भी बुलावा देते हैं। ओके बहुत बढ़िया। नंबर नंबर चलेगा कुमार निकल चल रहे हैं। हाँ जैसा आप चाहो वैसा। हाँ बिल्कुल थैंक यू। बच्चों का क्या करेंगे? बहुत ही खूबसूरत आज आपने देखा शगुन का गाना इनका देखे। थोड़ी सी डाल दो कुछ का उसका खवाला कितना ये क्या चटनी है? जब हमारे यहाँ शादी होती है तो शादी में शुरुआत पूरा पूरा दाल पीस के ये सिलबट्टा लगा की दाल पहले पीसी जाती है। हाँ। तो इसमें उड़द की दाल पहले सबसे प्रथम हमारा वही है। हाँ। शादी में शुरुआत में। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद हमारा और कार्यक्रम चलता है। ये छोले इसलिए बना रहे हैं ये कुमाऊनी स्वाद है। अच्छा कुमाऊनी का अभी बढ़िया ढंग से बनेगा फिर आपके लिए। Morning at Hridayabhumi. Look at the sunrise. Wow, it is so sweet. It is coming from Jirna zone, from the mountains. Good morning everybody. 5 बजे सुबह के और हम आपको ले चलते हैं वॉक पे। मॉर्निंग वॉक
and let's see if we see some animals. We are going into the walk in the jungle. Jungle walk it is. अभी मॉर्निंग में दूध निकाल लिया सबका? ओके देखिए थोड़ी आपकी आई अच्छा ये दूध है ओके इसमें कौन सा गाय का भैंस का कैसे पता पड़ेगा? अच्छा उधर गाय का उधर भैंस का है ठीक है तो हम भी रहने वाले हैं ये हाथी के लिए गड्ढे खोदे गए हैं ताकि हाथी अंदर न जा सके यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और वो अंदर इलेक्ट्रिक फेंस भी वो तोड़ देते हैं तो उनके लिए गड्ढे खोद दिए गड्ढों से हाथी बचता है कमल जीरा क्या पढ़ा आपने पढ़ाई क्या की है बीकॉम किया है अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर इतना काम है करने के लिए वेरी नाइस बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ अच्छा ये कितने दिन तक चल जाता है घर आप लोगों के लिए हाँ 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 दूध डाला जाता है तो इसमें 15-20 मिनट घूमता है लगभग राइट ये पूरी ब्राउन मशीन है पूरी तो घूमने के बाद दूध सूखता रहता है तो फिर वो कम हो जाता है बहुत ये इलेक्ट्रिक है हाँ इसमें जो मोटर लगी है लाइट का काम सिर्फ मोटर का इसमें बाकी ये स्क्रीन से काम करता है मतलब ना क्या तभी ये 15-20 मिनट में तैयार है नमस्ते चाची जी छोटे छोटे मुर्गी बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे भी आप लोग तो ताजा दूध की ताजी चाय पीते होंगे क्यूट चिल्ड्रन क्या बात हाँ हम काली चाय क्या नाम है आपका विद्या क्या करते हो आप मैं कुछ नहीं घर पढ़ी हूँ हाँ इंटर ही पढ़ी हूँ हाँ अच्छा उसका क्या नाम है उसका नाम शौर्य शौर्य प्याज काट रहा है हाँ शौर्य हेलो अपना नाम बोलना नहीं आता होगा सॉरी बोलो नाम बोलो लेकिन प्याज काटना आता है हाँ हाँ लग जाएगी बेटा कन्हू अपना नाम बताओ कन्हा कन्हा आप कृष्ण कन्हैया हो हाँ हेलो इसका कोई नाम रखा है क्या नाम कुछ नहीं रखा क्या नाम है पिंकी पिंकी हेलो हेलो ये केवल 1.5 महीने की है1936 में बनाए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लैंड ऑफ रो ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स वेरी नाइस ब्यूटीफुल नमस्कार मैडम मैं यहाँ पर लोकल विलेजेस से हूँ करीब 15-20 साल के समथिंग यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ okay. पे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया आता है जहाँ पे हम आते हैं जी. यहाँ पर पर्यटक आते हैं काफी दूर है, इसलिए काफी दूर दूर से आते हैं जी. यहाँ पे ब्लेज टूरिज्म यहाँ पे जो जितने भी लड़के हैं यहाँ पे लोकल के लोगों को यहाँ पे व्यवसाय दिया जाता है अच्छा यहाँ पर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका ढेला और झिन्ना है ढेला और झिन्ना का गेट एक ही है
गेट है कि नहीं, गेट इसके 6-7 गेट हैं। ये ढेला और जिन्ना वाला गेट है। ओके, ढेला और जिन्ना का गेट है। हाँ जी हाँ जी। ओके, और ये यहाँ पे आज की डेट में जो आज आप आए हैं, आज से करीबन डिकाला जॉन जो है फर्स्ट मेन गेट बोला जाता है, नेक्स्ट कंपल्सरी है, डिकाला जॉन बंद कर दिया जाएगा आज से। कब से बंद होगा? 15 नवंबर से। 15 जून को बंद हो जाता है, 15 नवंबर को ओपन होता है वो। तो ये क्योंकि डिकाला तो बंद हो गया, ये कब बंद होगा? ये बरसात जब आएगी तब। ये 12 महीने खुला रहता है। 12 महीने खुला रहता है। 12 महीने खुला रहता है। यह है की जब कोई बारिश आती है तो बारिश के दिन उस टाइम बंद कर जाता है, एक आध दिन के लिए थोड़ा बंद किया जाता है। जो कि वो ये इसलिए खोला जाता है क्योंकि जो लोकल के लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं वो खाली ना रहे, क्योंकि और डिकाला बिजरानी 30 तारीख को करीब वो बंद हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये इसको इसलिए खोला गया है कि लोकल विलेजेस जो है वो खाली ना रहे, मायूस ना हो, इसलिए जोन को खोला गया है। बारिश के दिन ही एक आध दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। हाँ। और अगर खुला रहता है। अच्छा अच्छा, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है जोन की बताएं? बिकॉज जिन्ना जो है एक बहुत टॉप क्लास जोन में आता है, डिकाला के बाद सब लोग जिन्ना का ही नाम लेते हैं, तो इसकी क्या स्पेशलिटी आप बताएं? नहीं, यहाँ पर लोकेशन अच्छा है टाइगर। हाँ। के मामले में यहाँ पर जो भी आते हैं पर्यटक, जो भी आते हैं यहाँ पर टाइगर का फोकस रहता है, ज्यादातर टाइगर रहता ही है, टाइगर का फोकस दिखता भी है यहाँ पे। इस वक्त इस 2022 में मैं अपनी मान को अपनी कहूँ तो 2022 में डिकाला और बिजरानी चाची टाइगर सेटिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ पे अभी 3-4 महीने से रेगुलर सुबह शाम कंटिन्यू टाइगर सेटिंग हो रही है, और यहाँ पे डिकाला और बिजरानी से ज्यादा अच्छा भीड़ भी काफी, क्राउड भी काफी है। Okay, young boy of this country, huh? Which place you belong to? I am technically from Delhi. I am also from Delhi. Oh, yes, tell me one thing, like what are you doing here with a lot of equipments? So, actually I'm on an internship here doing a research project on castor plant, Ricinus communis. So, that's what I was looking for, a bunch of castor plants present in one specific. Can you explain what castor plant means? So, castor plant, you might have heard of castor oil. Castor oil, right? Yeah, so right. The castor plants are like, they have like this kind of leaves, like big leaves. So, what they do is, they have these seeds known as castor seeds. Castor seeds, right? I use castor oil, so I know about yeah, it. So, so जो उनमें से जो ऑयल निकलता है, दैट ऑयल इज टिपिकली यूज्ड फॉर मोस्टली एज अ लैक्सेटिव, एंड अर्लियर इट वाज यूज्ड एज अ टॉर्चर मेथड इन सोवियत रशिया। अच्छा, टॉर्चर इन व्हाट वे? दे यूज्ड टू लाइक फीड अ लॉट ऑफ केरोसिन एंड कैस्टर ऑयल टू पीपल ऑन द प्रिजनर्स ऑन द गुलाग। ओह माय गॉड। एंड देल इट इज अ लैक्सेटिव, सो देल जस्ट हैव एक्सप्लोसिव डायरिया एंड डाई ऑफ डिहाइड्रेशन। हाथ में पकड़ लेंगे। So okay. They just die of dehydration most of the time. Okay. Yeah, so we are just working on the mutualistic interaction. So you get a chance to go inside and cover it? Don't have the time. I don't have the time to go inside, and usually castor plant is present more in the suburban areas. Not technically in the cold zones, but more in the suburban areas. Since how many days you are here? I came here day before yesterday, but we are going all over India, like on a latitudinal gradient of India. So like Kanyakumari, this is the northernmost site. So like Kanyakumari, Nagarkoil, Nagpur, wow. Bhopal, wow. Hyderabad. So these sites we are covering. Now we are going to start this site. So we were just looking for the castor plant. सारी एमिनिटीज हैं यहाँ पे, एसी और सी द वॉर रूम जगह, सी द वॉर रूम, ब्यूटीफुल रूम, एंड सी दिस, यू गॉट एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। दिस इज अ बाथरूम, इट्स अ स्विमिंग पूल, एंड दिस इज अ village, the view, look at the view, here you have, and the washroom is also, you will have the jacuzzi here, shower area, again the setup is same, you have got TV, you have got tea maker, beautiful, and the balcony with the same view. This is room number 3. And you get a big balcony. Look at the balcony that you have.
आपको जो बालकनी मिलती है रूम नंबर 3 से वो देखिए आप। लुक एट दिस लॉन। सर कहाँ से आया? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से आया? यहाँ पहली बार आए कि पहले? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। पहली बार आए? आते ही कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सबसे अच्छा था कि होमली फील हुआ कि पीसफुल है काफी। दिल्ली जैसे आपने देखा हो दिल्ली NCR में इतना अच्छा इतना भीड़ भाड़ होता है और बहुत अंदर आते ही बड़ा एक सुकून सा मिला कि एक अच्छी जगह हम आए हैं फैमिली के साथ अपने। साफियों का कोई सफाई का कोई है प्रोग्राम? हाँ कल का है हमारा। कहाँ पे डिनर हो? अभी मैं जो चीज चेक करना है डिटेल्स जैसे हमने अभी एंट्री किया है। हाँ, अभी तो हम प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। बताइएगा जरूर, हम कल मॉर्निंग में वॉक जरूर करेंगे। प्रॉपर्टी हमें दिखाई है बहुत अच्छी तरीके से। मैडम फैनी अभी उसके बावजूद भी कमी उन्होंने पूरी उनकी वो करी है, कमी महसूस हुई। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है। आई होप यू एंजॉय, बहुत जरूर इन लोगों के साथ ऐसी चीजें दिखाएंगे आपको पक्का जो शहरों में। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर बीइंग विद मी एंड मेकिंग माय जर्नी सक्सेसफुल। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलियंस ऑफ थैंक्स टू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस अ फैमिली ऑफ 1100 पीपल। इफ यू लाइक माय वर्ड एंड माय वीडियो, प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe, and mission always first, every time, anytime. Jai Hind, Jai Bharat, love you all.